तो हम सभी देखते हैं कि वेजिटा और जाइकोर लाइफ ऑफ डायमेंशन पे अपनी ट्रेनिंग शुरू कर चुके होते हैं। दूसरी तरफ गोकू आसुमा और फू को ढूंढ रहा होता है और तभी हम सभी आसुमा और फू को देखते हैं जो कि एक डायमेंशन सील के पास खड़े होते हैं। और तभी आसुमा कहता है, हे फू, क्या तुम्हें पक्का यकीन है यही वो डायमेंशन सील है जहां पर हमारे लोग हैं? जिस पे फू कहता है, हाँ आसुमा, मुझे पूरा यकीन है कि वो सभी जरूर इसी डायमेंशन सील के पीछे होंगे, क्योंकि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैं उन सभी की एनर्जी को महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ हमारे एक साथी की एनर्जी महसूस हो रही थी और वो इसी डायमेंशन के अंदर है। जो सुन के आसुमा कहता है, तो ठीक है फू, चलो समय आ चुका है इस डायमेंशन सील को तोड़ देने का। और ये कहने के बाद आसुमा और फू उस डायमेंशन सील के ऊपर अपने काफी सारे अटैक करने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम सभी देखते गोकू को, जिसको आसुमा और फू की एनर्जी महसूस होने लगती है और वो कहता है, क्या ये एनर्जी, ये तो आसुमा और फू की है, लगता है कि मैं उनसे और ज्यादा दूर नहीं हूँ। और ये कहने के बाद गोकू उन दोनों के पास जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ आसुमा और फू अपना काफी ज्यादा पावर अप कर लेते हैं और वो सील को तोड़ने की काफी सारी कोशिश करते हैं, लेकिन उस डायमेंशन सील पे एक खरोच तक नहीं आती, जो देख के फू कहता है, नहीं आसुमा, आखिर ये सब क्या चल रहा है, इस डायमेंशन सील को तो जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा। जिसके ऊपर आसुमा कहता है, फू, आखिर तुम ये कैसी बात कर रहे हो, ये डायमेंशन सील कोई आम डायमेंशन सील नहीं है, ये जरूर उस जिनो की या फिर उस गॉड जलामा की बनाई हुई होगी, तो हमें अपनी कोशिश जारी रखनी होगी। ये कहने के बाद वो दोनों ही अपना एक साथ काफी बड़ा कंबाइन अटैक सीधा कर देते उस डायमेंशन सील के ऊपर। लेकिन तभी हम सभी देखते वहाँ पर गोकू आ जाता है और वो उस अटैक को वहाँ से हटा देता है, जो देख के आसुमा कहता है, किया भला तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो गोकू? जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो आखिरकार आसुमा फू तुम दोनों मुझे मिले गए और मैं तुम्हें यहाँ पर रोक निकले आया हूँ, जो कुछ भी तुम करना चाहते हो वो मैं तुम्हें नहीं करने देने वाला। और ये कहने के बाद गोकू अपनी अल्ट्रा एंशिएंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देख के फू हंसते हुए कहता है, नादान सैयन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारा सामना कर सकते हो, और वैसे भी तुम तीनों ही हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे, तो तुम अकेले हमारा सामना भला कैसे कर लोगे? जिसके ऊपर गोकू कुछ भी नहीं बोलता और वो अचानक से फू के ऊपर अपना एक हमला कर देता है और फू को एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे फू चोट खाके काफी दूर गिर जाता है, जो देख के आसुमा हैरान होता है। और तभी गोकू कहता है, पिछली बार मैंने अपनी पूरी ताकतों का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन इस बार मैं अपने आप को खत्म करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें रोक के रहूंगा, जो देख के आसुमा कहता है, मुझे लगा ही था कि तुमने पिछली बार अपनी पूरी ताकतों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन तुम्हें मैं एक और बात बता दूं कि मैंने भी अपनी पूरी ताकतों का इस्तेमाल नहीं किया था, और अगर तुम्हें मरने की इतनी ही जल्दी है तो आ जाओ, मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर देता हूँ। और ये कहने के बाद आसुमा गोकू के ऊपर अपने काफी सारे हमले करने लगता है और तभी वो अपना एक काफी बड़ा कीबला सीधा गोकू की तरफ करता है, लेकिन गोकू तभी अपना पावर अप करके अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो उस अटैक को वहां से हटा देता है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते फू को, जो कि अचानक से गोकू के पीछे आके उसके ऊपर लगातार अपने काफी सारे हमले करने लगता है, लेकिन गोकू उन सभी हमलों को भी डॉच कर लेता है। लेकिन तभी आसुमा एक काफी जोरदार पंच सीधा गोकू पे लगाता है, जिससे गोकू चोट खाके काफी दूर गिर जाता है। और तभी फू कहता है, तुम्हारे अंदर इतना जोर नहीं है सैयन कि तुम हमें रोक सको, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। ये सुनने के बाद गोकू काफी मुश्किलों से ही खड़े होने लगता है और वो कहता है, नहीं, इस बार मैं पीछे नहीं हटने वाला, बहुत समय हो चुका है मैं हर बार तुम लोगों से या फिर किसी न किसी वजह से हारता रह रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा तुम दोनों को रोकने के लिए। ये कहने के बाद गोकू अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और वो
फू और आसुमा दोनों के ऊपर अपना एक साथ काफी सारे हमले करने लगता है। लगातार गोकू अपने पंच और किक्स करता रहता है, लेकिन आसुमा तो उन हमलों से बच जाता है, पर फू को उन हमलों से बचने में दिक्कत होने लगती है, जो देख के गोकू अचानक से अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट सीधा फू पे करता है, जिससे फू चोट खा के काफी दूर गिरता है। और तभी वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका भी होता है और हम सभी देखते गोकू आसुमा के ऊपर अपने हमले करने के लिए जाता है। और आसुमा कहता है, नादान सयन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम आसुमा का सामना इतनी आसानी से कर सकते हो? तुम्हारे अंदर इस समय वो बात नहीं है। ये कहने के बाद आसुमा अपने लगातार काफी सारे हमले गोकू पे करता रहता है और गोकू भी लगातार अपने काफी सारे हमले आसुमा के ऊपर करने लगता है, जिससे उन दोनों की शक्तियाँ काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। आसपास काफी सारे धमाके होने लगते हैं और जितने भी प्लेनेट आसपास होते हैं वो पलक झपकते धूल में बदल जाते हैं। और तभी हम सभी देखते हैं ज़ेनोसामा को, जो कि कहते हैं, लगता है कि गोकू आसुमा से मिल चुका है, लेकिन फिर भी गोकू तुम अपनी शक्तियों को अभी भी क्यों रोक के रखे हो? अगर तुमने अपनी शक्तियों को रोक के रखा तो तुम आसुमा का सामना नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें अपनी शक्तियों को पूरी तरीके से सामने लाना होगा गोकू, क्योंकि आसुमा भी किसी से कम नहीं है। और दूसरी तरफ गोकू और आसुमा फाइट कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी आसुमा अपना पावर अप करके गोकू के ऊपर अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है, जिसे गोकू वहां से बड़ी मुश्किल से हटा पाता है। लेकिन अगले ही पल फू और आसुमा एक साथ ही काफी बड़ा अटैक सीधा गोकू पे करते हैं, जिससे गोकू चोट खाके काफी दूर गिर जाता है। लेकिन गोकू अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता और वो मुश्किल से खड़े होकर वापस अपना हमला करने जाता है आसुमा पे। लेकिन आसुमा इस बार गोकू के हमले से बड़ी आसानी से बच जाता है और वो गोकू पे एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे गोकू वापस चोट खाके काफी दूर गिर जाता है। और तभी आसुमा कहता है, मैं तुमसे कितनी बार बोलूं कि तुम मेरा सामना करने के लायक नहीं हो और तुम इस ब्रह्मांड के ग्रैंड प्रीस्ट बनने के भी लायक नहीं हो। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि हम कैसे इस मल्टीवर्स में अपना कब्जा करेंगे, और ये मल्टीवर्स सिर्फ और सिर्फ हमारे तरीके से चलेगा। बहुत ही जल्दी हम इस डायमेंशन सील को खोल देंगे और उसके बाद हमारे साथ ही यहाँ पर आएंगे, और फिर वो तुम्हारा ज़ेनोसामा भी हमारा सामना करने के लायक नहीं होगा। और ये सब सुन के हम देखते फू बस हंसता रहता है। और तभी हम सभी देखते गोकू को, जिसकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। और तभी गोकू कहता है, नहीं, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं तुम में से किसी को भी ऐसा कुछ नहीं करने देने वाला, चाहे उसके लिए मुझे मेरी जान ही क्यों ना देनी पड़े। और वैसे भी बहुत समय हो चुका, मैंने अपनी ताकतों को रोक दिया, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें बताऊं कि आखिरकार मैं कौन हूँ। मैं हूँ इस मल्टीवर्स का नया ग्रैंड प्रीस्ट। और ये कहने के बाद गोकू अपनी काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और गोकू लगातार चिल्लाता रहता है और वो अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाने लगता है, जो देख के आसुमा भी हैरान होता है और वो कहता है, क्या सच में इस सयन ने क्या उस ताकतों को भी मास्टर कर लिया है? जिसके ऊपर फू कहता है, हे आसुमा, आखिर ये सब क्या हो रहा है? इतनी चोट खाने के बावजूद भी ये सयन आखिरकार अपने पैरों पे कैसे खड़ा है? जिसके बाद हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि अपनी पावर अप करने के बाद एक नए फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। और तभी गोकू आसुमा और फू को देखता है और वो अगले ही पल सीधा फू के सामने आके उसे एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे फू काफी दूर जा गिरता है। और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और जैसे ही आसुमा गोकू को देख ही रहा होता है, लेकिन अगले ही पल गोकू आसुमा के सामने आके उसके एक काफी जोरदार पंच मारता है, जिससे आसुमा बड़ी मुश्किल से ही रोक पाता है। और तभी आसुमा कहता है, तो आखिरकार लगता है कि तुमने अपनी असली ताकतों का इस्तेमाल करने का निर्णय ले ही लिया, नए ग्रैंड प्रीस्ट। जिसके बाद हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि कुछ भी नहीं बोलता और वह बस आसुमा को घूरता रहता है।